गंगा की कसम जमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा, गंगा की कसम जमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, देख जमाना बदले। मैं नाम तो काशी सिंह एरी है और पिताजी का नाम स्वर्गीय केसर सिंह एरी है, माताजी का नाम सोना देवी स्वर्गीय सोना देवी हैं। मैं बिल्कुल गांव से आता हूं, अभी धारचूला ब्लॉक का बलवाकोट हमारी ग्राम सभा है उसका एक तोक है पंथगांव हमारा गांव है। और बहुत सारे लोग कहते हैं तुम बहुत सीधे हो, तुम ये इस राजनीति में फिट नहीं हो आज के राजनीति में। सही बात है, आज की राजनीति में तो ये सब ठीक नहीं है, लेकिन हमारा अपना स्वभाव है, हमारा अपना जो संस्कार मिले हैं उसके हिसाब से हम चलते हैं। मेरे एक बेटा है देवेश, वो आर्मी में अभी लेफ्टिनेंट कर्नल है और उसकी चॉइस थी आर्मी में जाने की। मैंने कहा बेटा जाओ, और वैसे नेताओं के लड़कों को कहते हैं, बच्चों को कहते हैं ना कि आर्मी में नहीं जाते हैं, लेकिन उसकी चॉइस थी, हमने कभी रोका नहीं। मेरा मिशन जैसा मैंने बताया कि उत्तराखंड राज्य बनाना था, लेकिन कैसा उत्तराखंड राज्य, ऐसा जो आज चल रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल बना के उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ना इट वॉज अ मिशन। ये नहीं थी कि हम MLA बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, फलाना बन जाएंगे, इसलिए हम राजनीति, इसका कोई मतलब ही नहीं था, हमारा एक मिशन था। तो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की हमने, एक मिशन ज्वाइन किया और मिशन को पूरा किया। समाज में तो जुड़े ही हैं, ये राजनीति तो सामाजिक काम ही है, अब प्रोफेशन जैसा हो गया। अब आज की राजनीति जो है बिल्कुल समाज से कटी हुई है। मैं सही बताऊं, आज हम इसलिए फेल भी हैं कि जिनका जे समाज से, समाज के सरोकारों से, समाज की चिंताओं से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने को बनने से मतलब है। उसके लिए समाज में को बेचना पड़े, समाज को बिगाड़ना पड़े, आप बिगाड़ते हैं ताकि आप जीत जाएँ, आप आगे बढ़ जाएँ। तो वो हमने ना सीखा, ना हमारे स्वभाव में है। जो शराब का कारोबार करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, विधायक बन जाते हैं, या रेता बजरी का कारोबार करने वाले पहुंचे हैं, पहुंच रहे हैं, और उसके अलावा कोई प्रदेश की बात नहीं है, किसी डेवलपमेंट की बात नहीं, किसी प्लानिंग की, किसी विजन की बात नहीं है। इतना हद हो गया है कि हमको तो ये लगता है कि हमने प्रदेश बना के गलती तो नहीं की है। हम लोगों ने राज्य की जो कल्पना की थी, हमारे शहीदों ने जो राज्य की कल्पना की थी, डॉक्टर DD पंत ने या इंद्रमणि बडोनी जी ने या जसवंत सिंह पिची जी ने या विपिन त्रिपाठी जी जैसे लोगों ने जो उत्तराखंड चाहा था, वो उत्तराखंड अभी नहीं बना है। और इसके लिए निश्चित तौर पर मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि जब तक उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने इस राज्य की लड़ाई लड़ी है उस कॉन्सेप्ट को लेके, जब तक उत्तराखंड क्रांति दल के पास ताकत नहीं आएगी, सत्ता की ताकत, सत्ता का उपभोग करने के लिए नहीं, हम मंत्री बन जाएंगे के लिए नहीं, बल्कि बदलाव के लिए उत्तराखंड का भला करना है, तो एक बार जरूर उत्तराखंड क्रांति दल को का साथ दीजिए, उसको अपना विश्वास दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके सपनों का, शहीदों के सपनों का और हमारे बुजुर्गों के सपनों का और आने वाले दिनों का खुशहाल उत्तराखंड बना के आपको देंगे।